नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भारतीय किसान संघ तहसील खुजनेर ने सोमवार को तहसील कार्यालय खुजनेर में जाकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार संजय चौरसिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी मुख्य मांगों में किसानों की कृषि उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करवाने, सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने, गौवंश की रक्षा के लिए ग्राम पंचायतों में शीघ्र गौशाला खुलवाने, सोलर पंप योजना पुनः शुरू करवाने, 12 घंटे नियमित बिजली दिलवाने आदि की मांग सरकार से। इस मौके पर संघ उपाध्यक्ष बद्रीलाल नागर, तहसील अध्यक्ष विष्णु दांगी, कार्यकारिणी सदस्य नारायण सिंह, अशोक शर्मा आदि के साथ बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ, हाँ, और तहसील खुजनेर, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है किसानों के बारे में जो सरकार ने जो वादा किया था, इसके लिए हमारे चाहते है कि किसानों को तुरंत हमारा जो पूरा किया वादा पूरा करे, जो वादा किया। कौन से पोस्ट पे हो मतलब आप? भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। और अगर आप मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या मतलब, क्या आगे? हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सारे जो हमारे प्रदेश के जो आदेश जारी करेंगे, उस आदेश के मूल पर हम जो भी आंदोलन का बताएगा, हम आंदोलन करने के लिए तैयार। खबर समय जगत के लिए लिम्बौदा से रामबाबू गौड़ की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।